एप्पल इवेंट फाइनली हुआ, आईफोन 16, 16 प्रो, वॉच, एयरपॉड्स, ये सभी नए लॉन्च हुए हैं, बट क्या आपको आईफोन 16 लेना चाहिए? आपकी यूजेज के अकॉर्डिंग कौन सा आईफोन आपके लिए करंट सिनेरियो में बेस्ट है, एंड एप्पल ने क्या क्या नए फीचर्स लॉन्च किए? फार टेक्निशियन पे आप 20th को डिवाइसेस डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन यहीं पे आएगा, सब्सक्राइब करके रखिए अभी से। बट फॉर नाउ, एप्पल इवेंट में क्या क्या हुआ एंड कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए थी एंड कौन सी एक्चुअल यूजफुल चीजें हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। इस बार का इवेंट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट था, 1 घंटे में एप्पल अपने इवेंट्स रैप अप कर देता है। दिस इवेंट वेंट टिल 2 आवर्स, लेकिन फिर भी की टेक अवे हार्डली 15 मिनट के थे। बट आपको पता है ये रूमर्स हैं, आईफोन 16 में 45 वॉट चार्जिंग इंट्रोड्यूस की है, ये इवेंट में कहीं मेंशन नहीं था। वायरलेस चार्जिंग मेंशन थी, ये आईफोन पे जब आएंगे तब बात करेंगे, बट फॉर नाउ वॉच 10 चार्जिंग फास्ट हुई है, स्क्रीन बड़ी हुई है, नया कलर इंट्रोड्यूस हुआ है, अप टू 18 आवर्स का बैकअप है। मजेदार बात ये जो अभी तक की वॉचेस में नहीं था, आप स्पॉटिफाई, गाने, पॉडकास्ट अपने वॉच के स्पीकर्स में नहीं सुन सकते थे, बट विद दिस वॉच आप सुन सकते हो। अल्ट्रा वॉच 2 में बस एक नया कलर इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज डार्कर क्रोम फिनिश। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नथिंग न्यू अबाउट एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। नाउ कमिंग टू न्यू एयरपॉड्स, एयरपॉड्स 3 जो बिना रबर टिप के होते थे वो अपग्रेड कर दिए गए हैं, एयरपॉड्स 4 नाम दिया गया है। 2 वेरिएंट में लॉन्च हुए, एक एयरपॉड्स 4 एंड एयरपॉड्स 4 विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। दोनों में 5,000 रुपए का डिफरेंस है, विदाउट नॉइस कैंसिलिंग 13,000 के, विद नॉइस कैंसिलिंग 18,000 के। लाइटनिंग पोर्ट टाइप सी कर दिया गया है, ANC में आपको स्पीकर मिल जाता है एयरपॉड्स में, सो दैट कहीं एयरपॉड्स घूम गए हो आप उसको बजा सके, ढूंढ सके, एंड एक्टिव नॉइस कैंसलिंग भी। 20th को हमारे पास ये भी आ जाएगा, स्टे ट्यून्ड, सब कुछ इसी चैनल पे आने वाला है, या तो आप खुद टाइप करके फार टेक्निशियन सर्च कर लें या प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। एक और फीचर एयरपॉड्स में आया है, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस, यानी कि आपको बार बार एयरपॉड्स निकाल के किसी से बात करने की जरूरत नहीं। एयरपॉड्स जब आप कुछ बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिक कॉन्वर्सेशन डिटेक्ट करेगा एंड आपके म्यूजिक या पॉडकास्ट जो आप सुन रहे हैं उसके वॉल्यूम को अपने आप नीचे कर देगा, विच इज एन एक्चुअल यूजफुल फीचर। दैट्स अबाउट एयरपॉड्स 4। एयरपॉड्स प्रो को अब आप एज हियरिंग एड यूज कर सकते हो, दैट्स लाइक सम एप्पल DNA, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वेरी यूजफुल फॉर पीपल हियरिंग लॉस डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर पहले से जिनको कम सुनाई देता है, थम्स अप फॉर दिस फीचर। नाउ कमिंग टू आईफोन 16, कैमरा वर्टिकल कर दिए गए हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत कलर्स निकाले गए हैं जो कि रियल लाइफ में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एप्पल ने कैमरा डायगनल जब किया था तो उसका रीजन दिया था कि अंदर जो कैमरा सेटअप है वो इस डायगनल अलाइनमेंट में स्पेस अच्छे से लेगा, बट अब जब वर्टिकल किए हैं कैमरास तो उसका इस इवेंट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। अनदर मेजर चेंज जो सारे डिवाइसेस में आया है प्रो नॉन प्रो, वो है कैप्चर बटन। ये कैप्चर बटन सिर्फ वीडियोस या फोटोज के लिए नहीं है, इसका एक्चुअल यूज आने वाले 2-3 सालों में होने वाला है। AI हर कोई फोन ले आया है एंड आने वाले टाइम में हम लोग हर चीज फोन से पूछ रहे होंगे, बाय क्लिकिंग अ पिक्चर, बाय स्कैनिंग आवर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। तो ये कैप्चर बटन इन शॉर्ट फ्यूचर में होने वाला है एप्पल का AI सेंट्रिक बटन। ये हैबिट एप्पल अभी से अपने डिवाइसेस में हमको डालने वाला है, जस्ट लाइक रैबिट R1 ट्राइड विद दिस बटन, आप हर चीज कैप्चर करो और पूछो। सेरामिक शील्ड यानी कि फ्रंट ग्लास एप्पल का 50% स्ट्रॉन्गर कर दिया गया है, मिनिमम ब्राइटनेस 1 nit कर दी गई है, यानी सोते हुए बेड पे फोन यूज करोगे अंधेरे में तो मिनिमम ब्राइटनेस आंखों को परेशान नहीं करे। ये साइलेंट बटन अब एक्शन बटन कर दिया गया है थ्रू आउट ऑल आईफोन 16 सीरीज, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सोल ऑफ आईफोन 16, A18 प्रोसेसर दिए गए हैं। पिछले 2 साल के ट्रेंड से नॉन प्रो मॉडल्स को पुराना प्रोसेसर दिया जाता था, सो एप्पल ने A18 चिप दी है आईफोन 16 को एंड A18 प्रो चिप दी है अपने प्रो मॉडल्स को। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है इन चिप्स में, मेजर चेंजेस आपको आईफोन 16 में ही देखने को मिले। इंडिया में बन रहा है, होता भी सस्ता है, प्रो की तरफ क्यों जाना। मैक्रो मोड जो प्रो मॉडल्स में होता था वो आईफोन 16 में भी है, स्पेशियल वीडियोस यूज कर सकते हो। भैया एप्पल विजन प्रो कितनों के पास है, ये फीचर हार्डली कोई यूज करेगा। वीडियो बनाते हुए विंड तेज है तो विंड की नॉइज सप्रेस कर देगा ऑन वीडियो कॉल, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग को अब आप पॉज कर सकते हो, सच अ न्यू फीचर फाइनली ऑन एप्पल। हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग आईफोन 16 में ही दे दी गई है फॉर गेमिंग, बट स्क्रीन इज स्टिल 60 हर्ट्ज।
एंड फाइनली द बैटरी इज ऑल्सो बिगर. कितनी बिगर, कितना ज्यादा चलेगी पिछले मॉडल से, नो डेटा प्रोवाइडेड. चार्जिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग, वायरलेस चार्जिंग 25 वॉट की कर दी गई है. एंड देयर आर रूमर्स जो हम 20 तारीख को ही कंफर्म कर पाएंगे. टाइप सी चार्जिंग 45 वॉट कर दी गई है. इवेंट में कहीं मेंशन नहीं थी, वी स्टिल नीड टू क्रॉस चेक दिस, बट अगर ऐसा हुआ इट विल बी अ गेम चेंजर. पिछले 10 साल से जो फास्ट चार्जिंग मांग रहे थे हम, मे बी इट्स फाइनली हियर. Now coming to Apple Intelligence, कुछ फीचर्स Apple ने iPhone 16 में दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ई मेल लिखना है आपको, नोट्स में कुछ टाइप करने हैं अपने आइडियाज एंड उनको एक मूड देना है, आपको टेक्स्ट को फनी बनाना है, फ्रेंडली बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, विद जस्ट वन क्लिक यू कैन डू दैट. बट अ बिग बमर, US में Apple Intelligence फीचर्स इस ईयर एंड तक आएंगे. आई डोंट नो इंडिया में आते आते जब तक वो फीचर्स प्रॉपरली आएंगे तब तक अगला iPhone लॉन्च हो गया होगा. So my suggestion, if you are planning to buy a new phone, go to that Apple store जो आपके घर के पास है. Check all the features. आप वो फोटो में से बंदा एक्चुअली कितना हटाओगे, आप अपनी ईमेल्स को कितना ज्यादा कस्टमाइज करते हो एक क्लिक में. You can do that from browser as well. आपके फोन की चीजें सीरी भी अब ढूंढ के दे सकता है. Let's talk about iPhone 16 Pro now. This season Pro models का मुझे पर्सनली लगा कि one of the weakest season. Apple ने looks बिल्कुल नहीं छेड़ी हैं. 0.2 इंचेस स्क्रीन साइज बड़ा हुआ है, बेजल्स कम हुए हैं, एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया है, डेजर्ट टाइटेनियम. दैट्स अबाउट इट. बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़े एप्पल को टू स्टैंड आउट देयर प्रो मॉडल. जैसे कि दे हैव क्लेम इट्स द बेस्ट आईफोन बैटरी एवर इन एन आईफोन. कितनी बेटर है, कितने घंटे ज्यादा चलेगा, दे हैवंट एड्रेस्ड इट. अल्ट्रा वाइड लेंस एक्चुअली अपग्रेड हुआ है, जो कि पहले 12 मेगापिक्सल का होता था, अब वो 48 मेगापिक्सल का है. बट सिर्फ वाइड एंगल के लिए आप 16 प्रो खरीदेंगे. 15 प्रो में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 16 प्रो में 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग कर दी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, 4K 120 FPS अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने प्रो मॉडल से, जिसको आप बाद में इनबिल्ट ऑप्शन से एडिट कर सकते हो, स्लो मोशन में अपने FPS कस्टमाइज कर सकते हो. अनदर मेजर चेंज जो पता नहीं कितनों को अफेक्ट करेगा, वो है 4 माइक्स डाल दिए हैं प्रो मॉडल्स में, यानी कि बेटर नॉइस कैंसिलेशन, बेटर ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड अब आप वीडियो में डिफरेंट ऑडियो मोड सिलेक्ट कर सकते हो, फोकसिंग ऑन डायलॉग्स, एनवायरमेंट नॉइस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, और ऐसे कई सारे ऑप्शंस आप पोस्ट एडिट कर सकते हैं. अगेन दिस इज एक्चुअली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स या फिर वीडियो प्रोडक्शन पीपल. सिमिलर फीचर एक वॉइस मीमोज में एड हुआ है, जिसमें अब आप लेयर्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि एक लेयर में आप अपना कैराओके ट्रैक बजा सकते हो एंड दूसरे लेयर में आप उसके ऊपर गा सकते हो या पीछे बीट्स प्ले करके अपनी ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम एन आईफोन. अनदर यूजफुल फीचर फॉर प्रोफेशनल. नाउ कमिंग टू प्राइसिंग, आईफोन 16 शुरू होता है 80,000 रुपीज से एंड कार्ड्स ऑफर यूज करने के बाद यू विल गेट समवेयर अराउंड 76,000 रुपीज. वेयर एज प्रो मॉडल्स पिछली बार के मुकाबले 15,000 रुपए सस्ते हुए हैं, बिकॉज बजट में इम्पोर्ट ड्यूटीज कम हुई हैं, जिसकी वजह से 1,20,000 रुपए से, जो कि हम कार्ड डिस्काउंट भी लगाएं, सो दैट विल मेक इट 1,15,000 रुपीज फॉर आईफोन 16 प्रो. यानी कि 16 और 16 प्रो में 40,000 रुपए का डिफरेंस है. और भी कुछ एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स सिर्फ प्रो मॉडल्स में दिए गए हैं, विच आई वोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज वो अगले साल तक रोल आउट होंगे. बट इज इट वर्थ स्पेंडिंग 40,000 मोर? ये हमने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है. इफ यू हैव आईफोन 13 प्रो से पुराना मॉडल, देन यू शुड डेफिनेटली अपग्रेड. इट्स अ गुड टाइम टू अपग्रेड. सो इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर जिसको स्नैपचैट यूज करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, ट्रिप्स पे जाके अच्छी फोटोज लेनी है, ऑफिस का काम व्हाट्सएप पे करना है, गो फॉर आईफोन 16. आईफोन 16 लेने से ये फायदा होगा कि आगे आने वाले AI फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाएंगे. बट इफ यू आर नॉट फैसिनेटेड कि आपके पीछे से वो बंदा मैं गायब कर सकूं, अपने ईमेल्स को मैं नई लैंग्वेज में लिख सकूं, then iPhone 15 is a good option as well. And एक Easter egg, इस बार के Apple event में, I don't know आपने चेक किया कि नहीं, Apple ने अपने rival Google का नाम Apple event में अनाउंस किया है. Just tap to search Google for where you can buy something similar. That was a little shocking for me. What are your thoughts? Or कोई question है, 20th को we'll be unboxing and doing first impressions of iPhone 16 and 16 Pro. Leave your questions in the comment section. Tim को calling. Yes sir. मैं वो video record कर रहा था event के आपके. हाँ जी. हाँ सर, वो 20th को phone भिजवा देंगे. मैंने तारीफ की है सर, मैंने तारीफ की है बहुत.